वेलकम टू हमारी कंपनी। ये कंपनी से सब इतना प्यार उदार मिलता है बाइक पे। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज भोजपुरिया परिवार से इकट्ठा भी हुए हम सब आदेश के आशीर्वाद दे दिखा के इसके लिए दे सकते हैं। और ये फिल्म के बारे में जो आपने पूछा फिल्म हमारे पास कैसे आई, इस फिल्म के कैरेक्टर हैं हमारे चाचा चंद्रभूषण मणि जी और हमारे बड़े भाई राम शर्मा जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनकी भतीजे हैं हमारे बिहारी जी। ये दोनों जब हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए और जैसा इन लोगों ने बताया कि राम शर्मा जी हैं वो फैमिली मेल का बिजनेस है बहुत बढ़िया सा, और वहाँ से आके कि हमको साइन किए, हमको समझे कि नहीं मेरा छोटा भाई है और इनके फिल्म में हमको काम करने का मौका मिला। आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये आइया भी चाहिए सर तो क्या बात है। और ये भी इस फिल्म में काम किए हैं बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई के किरदार में है और हम तो बात कर ही रहे हैं, भैया भी बात करेंगी और ये अंजना जी बात करेंगी, हम सब परिवार बात करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी टीम आपने जो सुनाया मुझे तो मुझे भी डायलॉग याद आया इस फिल्म का कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, दबाव का वे ये दिल का मामला है। सर की तरफ चलते हैं, सर ये बताएं कि दो अभिनेत्रियां आपकी इस फिल्म में हैं, एक से काम चलता नहीं या फिर ऐसे नॉर्मली सर थोड़ा सा ना कर आपको मतलब ऐसे शक्ति आ जाती होगी। नहीं नहीं दुबे जी देखिए आप धरम दुबे आपका नाम है, आप जो मजे लेते हैं आप मजे लेके मजे लेते हैं और कोई भी आर्टिस्ट जाके भी आपके अपना मजा दिखा नहीं सकता है क्योंकि आप इतने अच्छे से मजा लेते हैं। नवल सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह से इस फिल्म में एक्शन है कहीं ना कहीं साउथ फिल्म के लेवल को टक्कर दे रहे। सही बात है, किसी को कदर क्या देना है, बस हम ये चाहते हैं कि हम सभी जो है अच्छा से काम करें और ये हमारे काम की प्रशंसा बस मन में यही है और यही रहेगा। सर ऐसा नहीं लगता कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए, वो हमारी भोजपुरी की भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए। भाई हम लोग तो बैठ कर कोशिश रही, हम सब कलाकार जो एक्टिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं और किस लेवल पे हमारी सिनेमा जाएगी इसमें हमारे साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर भी हमारा सहयोग देंगे तो शायद ये मामला थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं उसमें
बन जाएंगे। डायरेक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने देखा पूरे शहर में कपड़ों की इतनी ज्यादा बरसात हुई है, हर कोई एक दूसरे को, तो ये सिर्फ मजे के लिए था या वाकई में इसके पीछे कोई कहानी है? मैम अगर आप बताएं, आपने भी एक दो कपड़ सूखे हैं? नहीं सर, ये देखिए हमारे फिल्म की कहानी होती है और जैसी कहानी होती है डायरेक्टर हमारा जो सजाते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा काम करें कि हमारे काम की प्रशंसा हो। और फिल्म हीरोइन प्यार के लिए होती है, इमोशन के लिए होती है, एक लगाव के लिए होती है, थप्पड़ मारने के लिए। तो थप्पड़ मारने का सीन होता है उसके लिए कैमरा का एंगल है ना, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं। सर एक सवाल आपसे और है कि हमारा स्वाभिमान फिल्म का ही नाम है, पवन सिंह की नजर में स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? लंदन से आके ये तो हमारे भाई साहब एक कोशिश किए हैं कि हमारे फिल्म की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कल्चर से मतलब जुड़न होके, हमारे बूढ़ होंगे जैसे चाचा बाबा आजी बुआ ये सब के फिल्म में वो लगाव के काम के लोग कैसे सम्मान करके चाहिए, कैसे इज्जत करेंगे चाहिए, बड़े सामने कैसे बैठने के चाहिए, बड़े सामने कैसे खड़ा होने के चाहिए, ये फिल्म में दर्शाया गया है। सबका सम्मान सबका इज्जत। और मैंने पहले एक बात बोला था, हमारे चाचा जो हमारे गुरु जी हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने हमको बचपन में ही बताया था कि बेटा, क्योंकि हमारे चाचा को हमारे बाबा तभी इजाजत दिए गाना गाने के लिए कि बेटा किसी का प्रोग्राम अगर एक रुपए में फाइनल करना तो उसको कैंसिल करने के लिए दुनिया में दूसरा पैसा ना बना, ताकि उस पैसे के लिए कम से एक रुपए घुसो, तभी हमारे चाचा को इजाजत मिला। और चाचा हमको जब शिक्षा देने लगे तो बोले बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं बट अंजना मैम आपसे ये सवाल जरूर हो गए, आप बहुत खुश हैं, आप देख पा रहे हैं आप लोगों को देखकर, आपकी जोड़ी को देख करके इतने लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन बाद आप दोनों ने साथ में केमिस्ट्री बनाई है, स्क्रीन शेयर किया है, आप फिर अचानक पता चला कि पवन जी के साथ आपका काम करना है, क्या चल रहा था जहन में? और जब इनके साथ आप काम करती हैं कितना कम्फर्ट फील करती है, क्या कैसे आप बयां करेंगे? हसुआ कितनो भोखर हो जाए तो अपनी ओर नहीं, आदमी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है अगर आपन भाषा बोले वाला क्यों मिल जाए, वो बच्चा होके बच्ची होके लड़का होके लड़की होके लड़का लेकिन तो हम बोलते ही नहीं, मैं भाई बहन बोलता हूँ, माता माता बहन बोलता हूँ, क्योंकि आज ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारे जो भगवान स्वरूप जो ऑडियंस है उन्हीं का आशीर्वाद, नहीं तो हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, आज हम खड़े हैं तो हमारी ये ऑडियंस का देन है। तो कहीं भी आदमी रहेगा आपन भाषा बोले वाला क्यों नहीं जला, जैसे मान लो कहीं खड़ा बने आप खाली अंग्रेजी चला तो हिंदी नहीं कर सुनाई
क्या करता है कि भाई इन्होंने क्या बात बात की ये बोल देता है यार, नहीं तो सॉरी नॉट ओके। लेकिन अब वही में से कौन आवाज आ गई, जी नमस्ते कैसे मानी, चाहे हाय भैया कैसे लगता है यार ये अपने लगता है। तो ये खुशी की बात है, ये होके चाहिए कि हमने के जो भाषा के बारे में हमने के मिल के काम करेंगे, ठीक है। जिसे बताऊं तो साफ हो रहा हो अपने भाषा में अपन मिल के हमार माटी प्रोग्रेस करे, हमार माटी आगे बढ़े और हमने हिंदुस्तान के जय जय हो। आखिरी में अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने हम सभी को आज यहाँ जुटाया है। बिग बॉस में कब दिखेंगे आप? अच्छा सवाल था, आप लोगों की इच्छा बता क्या है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे भाई ये भाई हमको सलाह देते हैं कि भैया मत जाइएगा, मत जाइएगा सर, आप बॉस है। ऐसा नहीं है कि फोन जी को ऑफर नहीं आया, जी जी बहुत साल पहले से ऑफर आता है, आ रहा है। लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि भैया क्यों जाएंगे, काहे ना जाएंगे। लेकिन देखा जाएगा, समय बताएगा। अब चूंकि आज इतने दिन बाद मीडिया को मिले हैं तो मैं थोड़ा सा हम जाए चाहे ना जाए। अरे मेरे भाई भी बहुत से कम है क्या? नहीं ऐसा नहीं है भैया, देखिए बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है, उसमें जाना सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात बता दूं कि हम जाए सही बानी चाहे नहीं, ठीक है हमने मीटिंग भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे सभी बैठे जी जमात के लिए, लेकिन आपके भाई का गाना तो बनता है ना वहाँ? बिल्कुल सर, जाकर भी वहाँ चला गया हूँ और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरा गाना आज 15 साल से बज रहा है और वो गाने का जो कद है वो आप लोगों की कृपा से और बढ़ते जाएगा। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। क्या प्लान हो चुका है क्या? तब तक हम लॉलीपॉप 2 का प्लानिंग 3 महीना पहले से ही हो गया है, मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं अपना समय जोड़ूंगा म्यूजिक पे बैठूंगा, म्यूजिक फाइनल होगा, फिर फट से शूट होगा, फट से ये बताइए कि क्या वाकई में ये सच है कि सभी नियोनी इस गाने में है और 2 बार दे चुकी है पर आपके पास टाइम नहीं आया, वाकई में सभी नियोनी? ऐसा नहीं है, हमसे इतना मत बोलवाओ के मौजूद हो जाएगा, कौन बोलेगा आप मैं सबसे बाद में मिलते हैं। कौन सर एक सवाल मेरा है, जिस भी लॉलीपॉप 2 में मतलब हमारे गाना में हम सुमत और के छोमी वो एक बड़ा ही नाम होगा आप लोगों के आशीर्वाद से। क्या बात है सर, सर भोजपुरी की बॉलीवुड आपका दीवाना है सर, भोजपुरी की बात चल रही है, समाजवाद का बहुत बड़ा अंत हुआ है सर, मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज चाहूंगा जो हमारे धर्म भाई है आप जरा पूर्ण रखे लिए, क्योंकि ऐसा नेता सबके चहेता बार बार धरती पे नहीं आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि दोनों व्यक्ति के लिए हम लोग उनके लिए कौन समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब के निधन पर आज हम सब 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और शुरू होता है, प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुना जाए और सब लोग शांति बना के 2 मिनट। Thank
ओम शांति, ओम शांति, ईश्वर की आत्मा को शांति। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ पर समाप्त किया। हाँ अरे सर फिल्म खरीदे हैं इतना रुपया दे करके रुकी।